अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ टिक्का पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैं दे चुकी हूँ, वो आप मेरी साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, वीडियोस के ऊपर मैंने अपलोड कर दी है। अभी मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे टिक्का बनाने के लिए, पिज़्ज़े के लिए जो चीज़ें मैंने यहाँ पे ली हैं उसके लिए मैंने स्ट्रिप्स में चिकन ले लिया है, चिकन ब्रेस्ट 1 कप, ठीक है, सिर्फ बारीक बारीक इसकी स्ट्रिप बनवा ली है। इसमें जाएगी योगर्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ऑयल जाएगा 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून भर के योगर्ट में डालूंगी इसके अंदर। मसालों में जाएंगे, फूड कलर जाएगा रेड या येलो जो आप डालना चाहते हैं, कोरिएंडर पाउडर है, क्यूमिन सीड्स का पाउडर है, ये मेरे पास है हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, इन सब चीज़ों को डाल के इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले मैं डालूंगी योगर्ट, योगर्ट ऐड करने के बाद इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट, फूड कलर चला जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा, क्यूमिन सीड्स पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर एंड सॉल्ट, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इन सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको मैं तकरीबन 10-12 मिनट के लिए एक साइड पे रख दूंगी, ठीक है, ताकि ये मसाला अच्छी तरह से इसके अंदर जज्ब हो जाए, अच्छा सा टेस्ट इसका डेवलप हो जाए। इसके बाद मैं इसको पकाना शुरू करती हूँ। टिक्का बनाने के बाद, इसको रेडी करने के बाद, मैं आपको पिज़्ज़ा की जो सॉस होती है, जो उसकी बेस में लगती है, उसकी रेसिपी मैं आपको भी बताती हूँ। पहले इसकी इंग्रेडिएंट आप नोट कर लें, उसके बाद मैं आपको वो उसकी सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि उसमें क्या क्या डलेगा प्यूरी में। पहले हम ये टिक्का तैयार कर लें, ठीक है। इसको मैं 10 मिनट के लिए रखने लगी हूँ। टिक्का जो है मैरिनेट करने के बाद, इसको तकरीबन 10 मिनट हो चुके हुए हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, इसको मैं फ्लेम करूँगी ऑन, 2 टेबलस्पून डालूंगी ऑयल, इसके बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर टिक्का, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करेंगे इसके अंदर। इतने चिकन में जितना मैंने रेड चिली और सॉल्ट डाला है उतना वो काफ़ी रहता है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेंगे चिकन को ना हम, ताकि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए, योगर्ट का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन का भी जो पानी होगा वो भी खुश्क हो जाए। बिल्कुल ड्राई करके इसको हम उतार लेंगे। अभी आप जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने चिकन को बिल्कुल ड्राई कर ली है, सारे मसाले अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं, इसके साथ मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। अब मैं फ्लेम कर दूंगी बंद, ये हो गया रेडी। अब मैं इसका जो अगला स्टेप है उसकी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी पेस्ट कैसे बनेगी पिज़्ज़ा की। फ्लेम कर देते हैं बंद और इसको रख देते हैं साइड पे। अब यहाँ पे मेरे पास इसकी पिज़्ज़ा की जो बेस होती है टोमेटो बेस, उसके
इसकी टोमेटो पेस्ट बनाने के लिए मुझे चाहिए होगी टोमेटो प्यूरी 1 कप, ठीक है। उसके बाद जो है मेरे पास है सॉल्ट, सॉल्ट जाएगा इसके अंदर, मिक्स हर्ब्स जाएंगे, थाइम होता है ये जाएगा, ये आराम से एशियन शॉप से मिल जाती हैं ये चीज़ें। इसके अंदर जाएगा गार्लिक, फ्रेशली क्रश्ड गार्लिक, इसके अंदर जाएगी रेड चिल्ली पाउडर, और बटर जाएगा 1/2 टीस्पून इसको बनाने के लिए। ये होगी इसकी पेस्ट बनाने के लिए चीज़ें। अब यहाँ पे मेरे पास है पिज़्ज़े की टॉपिंग की चीज़ें, इसमें मेरे पास वेजिटेबल्स हैं, आप जौन सी वेजिटेबल पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑलिव्स लिए हैं, अनियंस लिए हैं, और यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है 3 कलर में। आप इसके अंदर मशरूम्स डालना चाहते हैं और कोई वेजिटेबल डालना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। मैं ये चीज़ें इस्तेमाल करूँगी वेजिटेबल्स में। यहाँ पर मेरे पास है चीज़, मैं चेडर चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ और मोजरेला चीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। ओरिगानो जाएगा, पार्सले जाएगा, पार्सले अगर आपके पास फ्रेश है तो फ्रेश डाल लें, मेरे पास ये ड्राई फॉर्म में है तो मैं ये यूज़ करूँगी, ठीक है। तो चले अब इसकी सॉस बनाना शुरू करते हैं। प्यूरी बनाने के लिए इसकी मैंने ले लिया एक पैन, फ्लेम करूंगी मैं ऑन। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बटर, बटर थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, इसके साथ ही मैं ऐड करूंगी इसके अंदर गार्लिक, गार्लिक चला गया, गार्लिक को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो पेस्ट। टमाटर को सिंपली पानी में डाल के थोड़ा सा ब्लेंड कर लें, टमाटो प्यूरी बन जाती है, फिर इसकी आराम से सॉस तैयार हो जाती है। फ्लेम मीडियम पर ही रखेंगे, टमाटर को इसके साथ थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा पानी इसका खुश करेंगे, उसके बाद इसके अंदर जो हर्ब्स है वो ऐड करूंगी मैं। गार्लिक के साथ टमाटर को थोड़ी देर भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी रेड चिली, जितनी आप डालना चाहते हैं, मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाल रही हूँ। इसमें जाएंगे मिक्स हर्ब्स, थाइम, और सॉल्ट। इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, पानी इसमें से बिल्कुल खुश कर लेना आपने, बिल्कुल ड्राई कर लेना है। ये सॉस जो होती है इसकी, ये बिल्कुल भी पानी वाली नहीं होनी चाहिए, फिर ये पिज़्ज़े के ऊपर बैठती नहीं है अगर इसके अंदर ज़्यादा वाटर हो तो, इसलिए इसको बिल्कुल हम ड्राई कर लेंगे। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, नमक क्योंकि मैंने तिक्के के अंदर भी ऐड किया है और इसकी सॉस के अंदर, अगर आप टिक्के के साथ नहीं बनाना चाहते तो सिंपली आप जो है वेजिटेबल के साथ भी बना सकते हैं, ये सॉस लगाएं उसकी बेस और उसके ऊपर वेजिटेबल्स ऐड करें, चीज़ डालें, तब भी आपका वेजिटेबल पिज़्ज़ा तैयार हो सकता है। मैं क्योंकि टिक्का पिज़्ज़ा बना रही हूँ, चिकन टिक्का, तो चिकन टिक्का के लिए मैंने टिक्का ऑलरेडी तैयार करके रख लिया है। अच्छी सी इसकी सॉस तैयार हो जाएगी, इसको वैसे भी बना के
रख सकते हैं फ्रिज में, जब आपको पिज़्ज़ा बनाना हो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैसे रेडीमेड भी मिल जाती है बाहर से, हर जगह पे अवेलेबल है, लेकिन घर की बनी हुई चीज़ का टेस्ट कुछ और होता है। अब जैसा कि देख सकते हैं कि पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो चुका हुआ है, ये देखें, ये बिल्कुल एक थिक सी सॉस बन गई है, सॉस रेडी है। अब मैं स्टोव कर दूंगी बंद, इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको पिज़्ज़े की टॉपिंग के साथ इसको बनाना, कैसे इसको इस्तेमाल करना है मैं आपको बताती हूँ। चलिए अब हम अपना पिज़्ज़ा कंप्लीट करना शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा की डो की रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। अभी जो मैंने टिक्का बना के रखा था पिज़्ज़े के लिए, वो ये रहा, ये ठंडा हो चुका हुआ है। सबसे पहले जो हमने ये प्यूरी बनाई थी, इसका जो पेस्ट बनाया था बेस का, वो पहले हम लगा देंगे अपने पिज़्ज़े के ऊपर। इसकी साइडों पे नहीं लगाना, सिर्फ सेंटर में लगाना है आपने, इस तरह से। अब ये सारी पेस्ट इसके ऊपर लगाएं अच्छी तरह। साइडों के किनारे आपने इसके छोड़ देने, पूरे पिज्जे पे नहीं लगाना है। ओवन को मैंने ऑन कर लिया है, यहाँ पे जाएगा हमारा टिक्का इसके ऊपर। ये डाल दे, ये लगे इसके ऊपर। इसके बाद हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं, वो हम डाल देंगे। अनियंस, ये डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी ऑलिव्स, जो आप वेजिटेबल डालना चाहते हैं इसके ऊपर आपकी अपनी चॉइस है। ये ऑलिव डाल दी हमने इसके ऊपर, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी चीज, चीज डाल दें इसके ऊपर जितनी आप डालना चाहते हैं। चीज चली गई, अब सबसे एंड पे जाएगा ओरिगानो, इससे पिज्जे का टेस्ट जबरदस्त आता है, इसके बगैर तो पिज्जा टेस्ट ही नहीं है। ये चला गया ओरिगानो और पार्सले, ड्राई पार्सले। आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं, मेरे पास ड्राई फॉर्म में है तो मैं ये ड्राई पार्सले यूज कर रही हूँ। ठीक है,
ये लीजिए, ये होगी इसकी टॉपिंग। अब ये जाने लगा है ओवन में। ओवन में मैं इसको रखूंगी तकरीबन 25 मिनट, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए, पिज्जे को मैंने ओवन से निकाल लिया है आफ्टर 25 मिनट्स। आप देख सकते हैं कि मज़ेदार पिज्ज़ा तैयार हो चुका हुआ है, पिज़्ज़ा टिक्का। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।